आईब्रोज करने का मेथड शेयर करने वाले हैं। तो एक पेंसिल चाहिए होगी, इतने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको ऊपर वाले साइड पर कॉम करना है, हिला के नीचे की तरफ नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर निशान लगाएंगे आईब्रोज पर, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि अगर आपकी आईब्रोज की शेप फुल बढ़ी हुई है तो आपने कितने कितने बाल जो है वो उतारने हैं ऊपर से भी और लेवर साइड से भी, कि आपकी जो शेप है वो परफेक्ट बन जाए। तो उसके लिए हम जो है एक मेथड शेयर करने वाले हैं, जिसके लिए आपको एक पेंसिल चाहिए होगी, जो कि आप लिप्स वाली पेंसिल भी ले सकते हो और कोई भी चीज जिसके साथ आप मार्क लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, जैसे कि अभी मैं ये वाली हेयर स्टाइलिंग कॉम जो है वो यूज कर रही हूँ। ठीक है जी, अब आपने जो पॉइंट अपने नजर में रखना है वो है आपकी ये नोज का मिड, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, जो आपकी नाक की टिप से और आपके नोज के कॉर्नर से सेंटर में है ये वाला हिस्सा, इसको आपने पॉइंट आउट रखना है। ठीक है जी, अब आपने इस टेलकॉम को रखना है इसके यहाँ पे और इसको बिल्कुल सीधा आपने ऊपर वाली साइड को ले जाना है इस तरह। ठीक है, अब ये आपका टेलकॉम जहां तक जा रहा है, इट्स मीन ये कि आपकी नोज का, सॉरी आपके जो आईब्रोज है उसका स्टार्ट है। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे एक लाइन डॉट लगा दूंगी। ठीक है, ये आपकी आईब्रोज का स्टार्ट है, इतना इतना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टेलकॉम को इस सेम इसी पॉइंट से हमने थोड़ा साइड पर ले जाना है और आपकी आईज का जो सेंटर है ना, आपकी आईज का सेंटर मतलब ये आपकी आंख है, यहां से लेके यहां तक इसके सेंटर में जो ये आपका मिड पॉइंट आता है ना, यहाँ पे आपका टेलकॉम बनना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूंगी इस तरह। ठीक है, इस तरह अपनी आईज के सेंटर में लाने के लिए इसको थोड़ा सा टेलकॉम को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी आईज के बिल्कुल सेंटर में अगर आए तो आपका मिड पॉइंट बनता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है जी, अब सेम इसी पॉइंट से हम टेलकॉम को थोड़ा और साइड पर लेकर जाएंगे और जहां पे आपकी आईज खत्म होती है ना, ये जहां पे आपकी आईज खत्म होती है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी लाइन बनानी है, मतलब डॉट हमने यहाँ पे लगाना है। थोड़ा सरियो करो। ठीक है, इसी पॉइंट से हमने सीधी स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड किया, इसी पॉइंट से हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, इसी पॉइंट से हमने एंड पॉइंट जो है वो फाइंड किया। ठीक है, अब इन तीनों लाइंस को हमने जो है वो आपस में मिला देना है। किस तरह से, इस तरह से आपने टेलकॉम को रखना है इस तरह से और आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, इसको हम बाद में नीट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, सेम इसी पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ आ गई है? अब आपने इसको इस तरह से रखना है ये। ठीक है, इसी लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर वाले लाइन को आपने नीचे वाली लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से और आप यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। ठीक है, और इसी पॉइंट से आप अब यहां से लेके और यहां तक लाइन ड्रॉ करोगे तक। अभी आप देख लेंगे मैंने दोनों साइड्स पर जो है ना वो लाइंस मेंशन कर दी हैं, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अब हमने इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है ना वो थ्रेड चलाना है, पहले हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमें चाहिए होगी कोई भी स्पूली जो कि आपके मेकअप ब्रश की साइड में अवेलेबल होती है। इसके साथ आपने अपनी आईब्रोज को जो है इसको ऊपर वाली साइड पर कॉम करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जो बालों की लेंथ है वो कितनी है और कितने कितने बाल एक्स्ट्रा है जो आपने कट करने हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से कॉम करेंगे ऊपर साइड पर, कट कर देंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो सीजर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपने इसको यहां से लाके नीचे की तरफ नहीं करना वरना आपकी यहां से लेंथ जो है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगी और यहां से मोटी तो वो बहुत बुरी लगती है। अब आप कोई भी सिंपल वाला थ्रेड ले लो, जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल वाला ही थ्रेड लो जिसके साथ जो है वो आईब्रोज होती है, थ्रेडिंग होती है। तो मैंने ये सिंपल वाला थ्रेड लिया जिसके साथ आप स्टिचिंग भी करते हो। इसके साथ आपने इस तरह से एक्स बना लेना। अब आपने इस ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ना, इसके ऊपर ऊपर आपने रहना है, इसके नीचे नहीं आना आपने। ठीक है, लाइक दिस। मैं बिल्कुल स्लो स्लो धागा चला रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब आईब्रो को नीचे से हम लोगों ने करना है। तो देखें यहाँ पे भी पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ है, इस लाइन के ऊपर ऊपर धागा चलाना है, इस लाइन से ऊपर नहीं जाना, इस लाइन से नीचे नीचे रहना है।
ठीक है, लाइक दिस। अभी आप देखो कि मैंने आईब्रो के ऊपर से भी और आईब्रो के नीचे से भी बहुत अच्छे से बाल जो है वो उतार दिए हैं उस लाइन के अकॉर्डिंग जो हमने ड्रॉ की थी। अब जो ये वाले बाल है ना, यहाँ पे धागा जो है वो बहुत मुश्किल से चलता है, इसके लिए आपको यहाँ से स्ट्रेच करना होता है अपने आईब्रोज को। ठीक है, यहाँ से आप आईब्रो स्ट्रेच करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये खुद ब खुद जो आपका ये वाला पार्ट है ये ऊपर आ गया है आपके बोन के ऊपर, ब्रो बोन के ऊपर। तब अब आप यहाँ पे ना इजिली थ्रेड चला सकते हो। पकड़ो यहाँ से, अभी आईब्रोज की शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर थोड़ा नजर आ रहा है ना, इसको मैं वाइप्स के ऊपर मैंने वो लगाया है मेकअप रिमूवर, इसके साथ साफ करते हैं। अभी हमने उस साइड के आईब्रोज जो है वो कर लिया है। अब इस साइड पे हमने उल्टी साइड पे खड़े होकर करने हैं आईब्रोज। ठीक है, उस साइड पे हमारा जो थ्रेड था वो इस तरह था, इस साइड पे हमारा जो थ्रेड है वो इस तरह होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप सीधी साइड पे खड़े होकर दोनों प्लकिंग करें, क्योंकि दोनों साइड के जो बालों की डायरेक्शन होती है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उस तरफ आप सीधे खड़े होकर कर सकते हो, यहाँ पे आप सीधे खड़े होकर प्लकिंग नहीं कर सकते। जी तो व्यूअर्स, अभी आप देखो कि आईब्रोज की शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही मजे की शेप जो है वो बनी है। कहीं से भी एक्स्ट्रा बाल नहीं उतरा और कहीं से भी जो है वो फर्क नहीं है आईब्रोज में। और इस मेथड को यूज करके अगर आप बिगिनर हो और आप आईब्रोज की शेप बनाना सीख रहे हो तो आप एक परफेक्ट शेप बना सकते हो स्टार्ट में सीखने के लिए। सो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा मुझे उम्मीद है, तो इस मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा और इसकी पिक्चर्स मुझे इंस्टाग्राम पे भेजने मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।